अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC3 वाटर पम्प गुलबर्ग टाउन में और आज हम यहां पे आए हैं और यहां के जो मसाइल है उस हवाले से हम बात करेंगे। यहां का जो सबसे बड़ा मसला है, जो हमें यहां के लोग जो यहां फ्लैट्स बने हुए हैं यहां जो लोग परेशान हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो लाइट का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। अब ये तो हो गया लाइट के बिल की बात, अब इसके साथ साथ और कितने मसाइल हैं यहाँ पर उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे जमा हम उनकी तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं? यहाँ एक तो बिजली का बिल सबसे बड़ा मसला है कि बिजली का बिल जो है ना वो राइट एक घंटे आती है, दो घंटे चली आती है और 30,000-25,000 का बिल आता है। विद एसी विदाउट एसी? विदाउट एसी, एसी चला दो और दो कमरों का फ्लैट है उसमें कैसे होगा। और बस इस तरह के बिल इतने आते हैं, जिन तनख्वाह कम है हम लोगों की, हम सुबह सुपरवाइजर हूँ तो अब ये देख लेंगे एक मसाइल है हमारे। और ये कितने अरसे से आप लोगों के बिल लाइट के इतने आ रहे हैं? ये तकरीबन पूरे साल ही हो गया। जब देखो कभी 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 वो कम भी भेज देते हैं और कभी तो 30,000-35,000 भेज देते हैं। कभी आप लोग गए कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस, बात हुई आपकी, क्या बात हुई? उन्होंने मार के भगा दिया। मार के भगा दिया के इलेक्ट्रिक वालों ने? पुलिस उन्होंने बुला ली थी, पुलिस वालों ने भगा दिया। हम गए के इलेक्ट्रिक में पूरा, आप लोगों ने क्या तोड़ फोड़ की थी? कुछ भी नहीं किया, मैसेज आके उनको बोलने गए थे, बात करने गए थे, उन्होंने पुलिस बुला ली और वो भगा दिया उन्होंने। अच्छा अब ऐसा भी है कि अगर आपके बिल ज्यादा आएगा और आप अगर के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएंगे तो आपको पुलिस बुला के मार के भगाया जाएगा, मतलब आप बात करने भी ना जाए? बात करने भी नहीं जाए, ये जुल्म हो रहा है। उसके बाद फिर बिल इसी तरह से आ रहे हैं? बिल इसी तरह से आ रहा है, दो घंटे लाइट होती है फिर दो घंटे गायब, एक घंटे रात को तो समझ, एक घंटे आती है दो घंटे गायब, एक घंटे आती है दो घंटे गायब, मतलब नींद भी खराब है आपकी? खराब है, क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अब बताएं और इसके अलावा क्या मसाइल है यहाँ? इसके अलावा बस यही मसला है। इसके अलावा एक पानी का मसला है, पानी तो पूरे कराची में ही मसला है। पानी का भी ऐसी मसला है कि जो पाइपलाइन में पानी आता नहीं, टैंकर डलवाना पड़ता है, टैंकर डलवा के पानी लेते हैं हम लोग, वो टैंकर भी 2200-2300 का टैंकर आता है। मतलब इधर जो है यहाँ पे कोई पानी की टाइमिंग नहीं है? पानी की कोई टाइमिंग नहीं है, जो पानी आता है लाइन का वो आता ही नहीं है, वो टैंकर डलवाना पड़ता है और उसके अलावा बस ये सब चलते चक्कर। टैंकर कैसे डलवाते हैं? क्योंकि फ्लैट से इतनी बड़ी बड़ी टैंकियाँ तो नहीं होंगी, फिर वो बड़ा कोई टैंक है उसमें डलवाते हैं? सब चंदा करके जमा करते हैं उसके बाद डलवा देते हैं। तो फिर वो महीने के कितने टैंक डलते हैं? बस एक दो टैंक डल जाते हैं, हो जाता है। फिर वो जो थोड़ा बहुत लाइन से आता है तो वो मैनेज हो जाता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे ज्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, किस तरह के लोग, नौकरी पेशा या कारोबार है, क्या है, किस तरह के लोग रहते हैं ज्यादातर? नौकरी पेशा लोग रहते हैं, कारोबार तो बहुत कम के ही, ज्यादा नौकरी पेशा लोग रहते हैं। और आजकल आपको पता है नौकरी के हालात ऐसे हैं कि बाहर रोजगार है ही नहीं, परेशानी अलग है। ज्यादातर वैसे अब क्या सैलरी प्राइवेट जॉब वालों को मिल रही है? 25,000 मिल रही है बस। और उतने का तो बिल आ जाता लाइट का? बिल आ जाता है, तो फिर घर कैसे चलाएं, बच्चों के स्कूल की फीस कैसे दें, किचन कैसे चले, ये सारे मसाइल हैं। ठीक है जी, ये तमाम तर मसाइल है जिस पे आज हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बिजली का बिल कितना है? मेरा 13,000। 13,000। और कितने घर में पंखे वगैरह लाइट है? दो पंखे, 4-5 बल्ब जलते हैं LED के। और घर में कमाने वाले कितने? एक। एक और एक कमाने वाले 13,000 अगर बिल आ जाते तो बाकी मामला तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मुश्किल हो जाते हैं, बस आगे हाथ पैर मारना पड़ते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। 13 ही हो गया, ग्रोसरी आपको पता है कितनी वो है, हर चीज़ महंगाई के ऊपर जा रही है। तो ये तो इन्होंने कत्ले आम कर रहे हैं, स्लो प्राइजन दे दे के जो है ना पूरी कौम को बर्बाद करके मार रहा है। ये बिजली के बिल ज़्यादा नहीं दे रहे, बस प्राइजन दे रहे हैं, मर जाओ तो भाई एक ही दफ़ा मार दो। अभी कैसे मैनेज करेंगे भाई, 30,000 सैलरी के अंदर बच्चों को भी करें, बिजली के बिल भी दें, सब कुछ करें। और दूसरे है और बस मसाइल ये है कि वहाँ जाओ उसको सुनते नहीं, उन्होंने कहा जो हमने लिख दिया है इनको आपकी औलादे भी पेट करेंगी। घर आपका अपना है? घर अपना है। तो ये बता रहे थे कि हम लोग गए तो पुलिस वाले बुलवा के कि इलेक्ट्रिक वालों ने हमें भगा दिया, ऐसा ही हुआ? जब जाते हैं मजम्मत करने के लिए कि भाई ये गलत आ रहा है, ये आता है, वो फौरन मोबाइल को फ़ोन करते हैं, मोबाइल वाले आके डंडा चलाना शुरू कर देते हैं, पैसे हम दें, सब कुछ हम करें, ठीक है, टैक्सेस हम दें और डंडे भी हम खाएं, वो भी टैक्स है, डंडे भी टैक्स है हमारे ऊपर के, 4 डंडे खाओ महीने के, बिल जमा कराओ। उसका सीधा उसूल यह है कि किस करा लें, ये करा लें, भाई किस कराएंगे तो और हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है, एक में करेंगे अगले महीने हमारे को 17,000 रुपये भरने पड़ेंगे। फिर घर का खर्चा किस तरह से? बस घर का खर्चा के जैसे चलाते हैं, एक टाइम खा लिया, कभी 2 टाइम खा लिया, कभी 1 टाइम खा लिया, और क्या करेंगे। बच्चों की ये मेडिसन है, मेडिसन के ऊपर 25% अभी मेडिसन के ऊपर बढ़ गए सारा, कोई पूछने वाला नहीं है उनको भी।
अगर कोई बीमार हो जाए तो एक वो होता है कि आप हॉस्पिटल अगर लेके गए तो अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। अच्छे खासे क्या, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं उसकी बीमारी में और उसके अंदर। तो अब ये बिल दवाइयाँ ले, बीमारी का इलाज कराए तो कि इलेक्ट्रिक का बिल रोको, तो फिर एक रुकने में एक दिन नहीं होता है, दूसरे दिन बिजली काट के चले जाते हैं। तो इतने स्ट्रिक्ट चल रहे हैं, हो जाते हैं ये इस गाँव में स्ट्रिक्ट है कि आप पेमेंट करें जी, ये सारा मसले हैं। अच्छा जी, ये तमाम तर मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से उनके ज़्यादा बिल और लोड शेडिंग ज़्यादा, उसकी वजह से अगर ये लोग जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस तो वहाँ पे इनके साथ जो सलूक होता है वो भी आपको बताया गया। अब इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो 10-15 साल से हूँ। अपना घर है आपका? नहीं, मस्जिद में होता वो घर तो नहीं है, खैर इस इलाके का रहने वाला। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पानी का सुना है कि नहीं है पानी, और कितने अरसे से नहीं है? पानी की परेशानी तो इतनी नहीं है, पानी तो आ रहा है मगर बिजली के बिल जो है ना इससे ज़्यादा आ रहा है। हाँ। उसकी परेशानी ज़्यादा है, पानी कभी कभार जो है ना महीने दो महीने में एक दो मरतबा हो जाता है। हाँ। वरना इतनी परेशानी नहीं। परेशानी नहीं। अच्छा। और मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ बिजली जो है ना बहुत तकरीबन 12 घंटे होती है, 12 घंटे चली जाती है। 12 घंटे लाए 12 घंटे होती है, 12 तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे जो है ना लोड शेडिंग होती है, मतलब 1-2 घंटे आती है 1-2 घंटे जाती है। रात में भी दिन में भी 12 घंटे होती है, 12 घंटे नहीं होते। तो इसका मतलब फिर तो सुकून भी खराब है ना, कि आप अगर सोएंगे नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे गर्मी में तो फिर तो आपका दिमाग भी नहीं चलेगा, आप काम कैसे करेंगे? बिल्कुल परेशानी तो होती है, जहाँ दिन में भी जो है नींद आती है, रात को नींद पूरी नहीं होती, 12 बजे की तकरीबन 11:30 बजे लेट जाती है, 2-2.5 बजे वापस आती है, तो इसमें आदमी क्या सोएंगे? सुबह फिर जल्दी चली जाती, जल्दी चली जाती है, तकरीबन 9-10 बजे फिर चली जाती है। परेशानी तो है मगर अल्लाह से ऐसे हुक्म, इस मुल्क के लिए ऐसे हुक्मरान चाहिए कि जो जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ हो। ऐसे हुक्मरान अभी तक नहीं आए? नहीं आए। अल्लाह तो कुछ बेहतरी होती इंशाल्लाह, अगर आ गया तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अच्छा जी, अब मैं अब इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मैं नाजमाबाद में रहता हूँ। अच्छा, नाजमाबाद में रहते हैं, यहाँ पे किसी के घर आए हैं जी? तो कितने दिनों से आए हैं यहाँ पे? ये मैं 2 दिन से आया हूँ। 2 दिन से लाइट ने कितना परेशान किया जी? वो जाती है 2 घंटे के लिए। अच्छा, और गर्मी भी है और इतनी ज़्यादा लाइट जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये रहते कहीं और हैं, यहाँ रुकने आए हैं, कोई मेहमान हैं? ये तो कह रहे 2 दिन से आए हैं, लाइट जो है वो ज़्यादा जा रही है। बाकी तमाम तर जो लाइट की सूरत हाल है, जो आवाम की अपनी राय है, वो आप तक हमने पहुँचाई है। पानी का यहाँ पर ज़्यादा मसला नहीं है, कभी 1-2 महीने के बाद पानी का मसला होता है, वो ज़्यादा मसला नहीं है। चलें, अच्छी बात है कि पानी का यहाँ मसला नहीं है, पर लाइट का यहाँ मसला है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। वो तमाम तर सूरत हाल आवाम ने आपको बताई है। आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, स्क्रीन पर दिखाएँगे। अभी हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग है? बहुत ज़्यादा होती है लोड शेडिंग, तो बराए नाम ही आती है बिजली, और उसके अलावा बिल्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा बिल्स हैं, घर में कोई इस तरह कोई ख़ास कमाने वाला नहीं है, और बिल्स इतने ज़्यादा हैं कि हमारे इस्तेमाल सबसे बढ़ के इस्तेमाल नहीं है बिजली का इतना ज़्यादा, और उसके हिसाब से बिल्स इतने ज़्यादा आते हैं कि हम परेशान हो गए। आवाम के करें तो करें क्या, किस तरीके से उसको बिल्स को पे करें, घर के बिल्स दें, बच्चों की फीसिस दें, या अपने घर को चलाएँ, किस तरीके से चलाएँ, बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। अच्छा, बिल कितना इस महीने कितना है? यूनिट जो है वो 200 से अबव होंगे, तो हमारा 6000 से प्लस आएगा, 8000 तक भी, 8000 तक भी बिल हो जाता है, और अगर 200 यूनिट से कम भी है तो भी 4000 से अबव जो है वो बिल आ रहा है हमारा। तो ये तो ज़्यादती है, क्योंकि हम यूनिट कम कर रहे हैं, बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वही उसी हिसाब से बिल आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है हम लोगों के साथ। हम जैसे लोगों के साथ के जो हम बिल 2000 पे करना हमारे लिए मुश्किल होता था, हम 4000-6000 कहाँ से पे करेंगे, किस तरीके से पे करेंगे वो बिल, जहाँ पे 4-4 बच्चे हों, 3-3 बच्चे हों, जो सारे स्कूल गोइंग बच्चे हों, उनकी फीसेस पे करेंगे या हम ये बिल्स पे करेंगे? हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं खाएं या
बिल्स को हम अदा करेंगे, तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है कि इलेक्ट्रिक के हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज्यादती है। तो इसके इलेक्ट्रिक ऑफिस गए हैं कभी आप? हम जो बस जो कम करवाने गए थे, जो अभी कुछ मंथ पहले जो हुआ था, बस उसमें गए थे, उसमें भी खास कोई रियायत हमें मिली नहीं, हमें कोई सही वहाँ से जवाब नहीं मिला, कोई हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला वहाँ पर कि हम जाएँ वहाँ बिल्स अपने बिल की बात करें, वहाँ पर हमें कोई ऐसा कोई ख़ास जवाब नहीं मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर सूरत हाल है, मैं इस तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपकी लाइट का बिल कितना आया? ये 7,000 आया। मैं बेवा और आता हूँ, मेरे बच्चे की भी शादी भी है, जॉब नहीं, और मैं अब कितना दूँ, मैं घर में करूँ, पेंशन में गुजारा करती हूँ। अच्छा, तो मतलब आप जो है वो पेंशन मिलती है आप? जी। अच्छा, तो ये बिल हर महीने इसी तरह ज़्यादा आता है? कभी 5,000 आ जाता है, कभी 4,000, अब के 7,000 आ गया। अब वो मैंने कहा तो वो खालिद भाई कह रहे हैं करंट पे नहीं हो सकता कम, जाओ तो कहते हैं नहीं हो सकता। और यूज़ इतना ज़्यादा नहीं? नहीं, बस पंखा चलता है हमारे, एसी भी नहीं चलता। अभी इस्त्री जैसे एक आध कपड़े पे हो गई, फ्रिज चलता है, और बस एक पंखा चलता है उस पर भी। टीवी कभी चलाते हैं शाम में 12-13 घंटे में, पूरा दिन बंद रहता है, 4-5 घंटे शाम में चलाते हैं। अच्छा, और लाइट भी इतनी ज़्यादा जाती है? लाइटें तो नहीं, शुक्र है नहीं जाती। अच्छा, चलें ठीक है जी। अब हम थोड़ा आगे आते हैं, लोग अपना सारा बिल का और लाइट की वजह से जितने परेशान हैं वो तमाम तर सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों से हम बात कर रहे हैं। मैं सरफातीन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? कि इलेक्ट्रिक के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इजाफी बिल आ रहे हैं, इजाफी टैक्सेस लगे हुए हैं इसके अंदर से ही, और मैं खुद एक सियासी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। कौन सी पार्टी से? पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं खुद अपने बोले ना उनको, उनको बोले कराची रुल रहा है, कराची रुल नहीं रहा है, कराची आबाद हो गया, तरक्की की तरफ चला गया। ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी काम कर की नहरें निकल रही है, पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है, मगर ये है कि जो बाख्तियार लोग हैं उनको सिर्फ मैं जगाना चाहूँगा कि भाई कुछ आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया जाए। सेकेंड चीज़ ये है कि कुछ लोग जो हैं गरीब, सबसे बड़ी जो रिलीफ का ऐलान करना है वो ये करना है कि के इलेक्ट्रिक जो है ना आप प्रॉपर तरीके से सही तरीके से समझा दें कि आप कराची में आपका राज इस तरह से नहीं चलेगा, और ये जो गरीब लोग हैं ना जिनके ऊपर आप इतने बड़े बड़े बिल, GST टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स आप लगा रहे हैं, थोड़ी सी शर्म करें और लिहाज करें। कराची वो है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है और इस कराची को आप लोग डुबो रहे हो। ये ज़रा के इलेक्ट्रिक की रिलीफ आप उसका अपील करें, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की वजह से लोग घर में खाना नहीं खा रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं वो मुझे मिले हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम बिल दे देते बाद में खाने खाने के पैसे नहीं होते। सबसे बड़ा रिलीफ तो यही है ना? जी जी, मैं यही अपने जो बाख्तियार लोग हैं के इलेक्ट्रिक के खास तौर पर जो लुक आफ्टर कर रहे हैं, मैं उनसे अपने तौर पर भी और अपने जो मोहल्ले हैं उनके तौर पर अपील करना चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक के जो इजाफी टैक्सेस लगे हुए हैं और चार्जेस जो लगे हुए हैं उसको ख़त्म किया जाए। सही, और मैं ये अपने जितने भी हमारे पीपल्स पार्टी के कायदीन हैं, सही है, उनकी तरफ से अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि इसको ज़रा संजीदगी से देखा जाए सर। अच्छा, क्या अब मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी किस तरह से कराची में काम कर रही है? आप लोगों की भी मीटिंग्स होती होंगी, किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हो कि बेहतरी किस तरह से आगे आपको नज़र आ रही है? नहीं, इंशाल्लाह ताला कराची के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। सही है, डोर टू डोर जा रहे हैं हम लोग, जो भी इश्यूज़ हैं कुछ मतलब इलाका ही तौर पर मैं आपसे बोलूँगा कि जो इलाका ही मसले मसाइल थे, सही है, कचरे के हवाले से और रोड कारपेटिंग के हवाले से बेहतर काम हुए हैं कराची के अंदर, और अभी नीचे ही तबके से काम करना स्टार्ट कर रही है। देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन जो हुए हैं जिसमें मुर्तज़ा वहाब जो मेयर बने हैं, सही है, इंशाल्लाह ताला वो डिज़र्व करते भी हैं और कराची को भी एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। ज़रूर, हमारी मोहब्बतें भी आपके साथ है क्योंकि आपने कराची को बनाना है, इसलिए कोई इख्तलाफ नहीं है आपसे। पर ये मैसेज आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि आवाम मुश्किल में है, तो इनकी जो है ना अपने आवाम की नुमाइंदगी मैं कर रही हूँ आज, तो मैंने इसलिए ये मैसेज आप तक पहुँचाया कि खुदारा के इलेक्ट्रिक की वजह से हमारी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। थोड़ा सा इस तरफ भी आपने ज़रूर ध्यान करना है कि इस एक के इलेक्ट्रिक की वजह से आवाम जो है वो मुश्किल का शिकार है। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम, क्या कहना चाहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ANI पाकिस्तान की तरफ से जिम्मेदार हूँ खालिद नूर के साथ कि इलेक्ट्रिक का मसला यह है कि अभी मेरे कज़न का बिल आया 23,000 रुपये। अच्छा। 20 गज़ का मकान है उसका, इतना छोटा है, उसका 23,000 रुपये बिल आया है।
कंप्लेन करते हैं, वहाँ देखते हैं और वो आएंगे आके, ये जैसे केबल की तार जा रही है, बाहर से तस्वीर लेंगे, अंदर जाएंगे और कुंडा लगा के वो बना के भेज देंगे। सही तरीके से नहीं देखें, बोलो कुंडा लगा इसलिए हमने बिल भेजा है, चेकिंग नहीं करेंगे आके, बस तरीके से बिल, फिर जाएंगे दरख्वास्त देंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, वो उसके पास, वो उस काउंटर पे, वो उस काउंटर पे, वो घुमाते घुमाते जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ना कोई किस्त करेंगे, करेंगे तो बोलो भाई आधी करवा लो, 3-3 लाख बिल चढ़ा देंगे, जुर्माने लगा के कर देंगे, बंदा कहाँ करेगा, खाना पूरा हो नहीं रहा, महंगाई इतनी है, अभी आपको मैंने बताया कि 20 गज के मकान पे 30,000 का बिल आया, तो क्या करेगा बंदा जो 20 गज में रहता है घर में, उसकी इतनी बेचारे की हैसियत होगी जो इतना बिल भरेगा। काम करता है वो, एड्रेसर का काम करता है वो, और 5 बच्चे उसके घर में, तो इस तरीके के जो जो अगर एप्लीकेशन को लगाते हैं, आपको मैंने बताया ना कि बाहर आएंगे तस्वीर लेंगे, केबल की तार को बिजली के वो बना देंगे, तार जा रही थी कुंडा था, हम इस वजह से बिल भेज दिए थे, जुर्माना लगा देंगे 2-2.5 लाख जुर्माना उल्टा लगा देंगे, तो कहाँ जाएगा बंदे की महंगाई में, कोई भी अच्छा जाएंगे तो 10 काउंटर घुमा देंगे, आप उसके पास जाइएगा, आप उसके पास जाइएगा, 10 काउंटर घूम के ही आपका जो हिम्मत है ख़त्म हो जाती है, हिम्मत ख़त्म हो जाती है, मतलब जाने से मालूम हो जाता है, या कटवा देते फिर बंदा बैठ जाता, क्या करे बंदा। ठीक है, हाँ, इससे अच्छा चोरी वाले जो चोरी करते कुंडा लगाते वो सही है, अब इलाके हमारे में जो कुंडे वाले हैं वो ठीक है, उनका कोई मसला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और हमारा जो है वो जो बिल इसके मीटर वाले हैं वो नजला हमारे ऊपर डाल देते हैं, उनका डिवाइड करके उन्होंने 1 मीटर लगाया, वो बाहर उसका जो होता है वो अपना कैलकुलेट करके उनको मीटर वालों पे डाल देते हैं, मीटर वाले को ये कोई ईमानदारी जो कर रहा है उसको ईमानदारी ये लोग करने नहीं दे रहे। इसका मतलब तो यही है ना, इस मुल्क में अगर कोई ईमानदारी से और अगर हक पे है और सही तरह काम कर रहा है तो वहाँ आपको काम नहीं करने देंगे, और अगर आप चोर उचक्के और चोरी कर रहे हो तो फिर तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आप खुल के चोरी करो आपको कोई पूछेगा नहीं, हम ईमानदारी से बिल भरेंगे तो हमारे पे बिल पे बिल आएंगे, बिल पे बिल आएंगे और हमें पूछा भी जाएगा, और 1 महीने हम बिल नहीं भरेंगे हमारी लाइट कट जाएगी, तो ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सा तरीका, ये कौन सा सिस्टम है, ये समझ आने वाला नहीं है, बड़ा बड़ी हैरत होती है वाला कि जो तरीके से बिल भर रहे हैं आप उनको जो है रिलीफ दें, उनके वो जब आपके पास आते हैं अगर बिल ज़्यादा हो जाए प्रॉपर तरीके से उनसे बात करें, उनकी बात सुने और उस मसले का कोई हल निकालें, ना कि वो भी और लोगों की तरह चोर बन जाए और फिर नुकसान हो आप लोगों को, इससे बेहतर है कि इस आवाम का साथ दें। इस तरफ आती हूं, उनसे बात करती हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आया आपको? बिल तो 2-3 साल से ड्यूज़ पे ड्यूज़, 1.5 लाख रुपये यूनिट, 500 यूनिट फ्लैट के भेज रहे हैं, एसी नहीं है, 1 कमरे का इस्तेमाल है, कुछ भी नहीं है, इतनी एहतियात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बिल अभी 1 महीने पहले मेरी जवान बच्ची की डेथ हुई है, मैंने बिल नहीं भरा, कल बिजली वाले आ गए थे काटने के लिए, यूनियन वाले भाई ने फिर बोला कि भाई इनकी बच्ची की डेथ हुई हुई है, 15,000 रुपये आप खुद बताएं कि कहाँ से। असल में ना इस मुल्क में ना चोर की ही जीत है, जो चोरी कर रहा है ना वो इज्जत से खा रहा है और आगे जा रहा है, जो गरीब है ना जो शरीफ इंसान है वो पिस रहा है। अब मैं 4 साल से जाके एप्लीकेशन करवा रही हूँ पावर हाउस में, मीटर चेंज कर दो मीटर चेंज कर दो, कोई नहीं आ रहा, आके सिर्फ काटना जानते हैं। अब आप बताएं जिस घर में 2 कमाने वाले बेचारे अगर वो 40-40 भी कमा रहे तो इतना हराम का नहीं कमा रहे कि बिजली के बिलों में 15-20 हज़ार रुपये भरा जाएगा, इस्तेमाल करें तो भरें ना। अब जाके बोलो तो कहते हैं कि शाम 5 बजे से 11 बजे तक एहतियात करें, किस चीज़ की एहतियात करें भाई, जब एसी नहीं है पंखा तो चलाएंगे ना, लाइट तो जलाएंगे, अंधेरे में तो दीवे में तो बैठने से रहे आवाम तो लहू पिया हुआ इनके इलेक्ट्रिक वालों ने। मैं तो कहती हूँ इनको सबको डंडे मार के निकालो और कोई ऐसी जगह इनका ठेका दो जो लोग सुकून में आ सके, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, कुछ भी नहीं है, और मीटर इतना फास्ट चल रहा है कि 500 यूनिट कोई मायने रखता है, 600 यूनिट मायने रखता है, अब कहाँ से, तो ड्यूज ही चढ़ाए चढ़े हुए 1.5 लाख रुपए ड्यूज चढ़ा दिया, अब उनका इंस्टॉलमेंट करवाने जाओ तो इंस्टॉलमेंट भी नहीं कर रहे कि 10,000 की होगी तो 5,000 ड्यूज की इंस्टॉलमेंट लगेगा, तो कहाँ से दे आप बताएं, घर में खाएं या इतने बिल दें, बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब महंगाई इतनी है कि खाना भी पूरा नहीं हो रहा यार लोगों का, तो कहाँ से बिल बिजली का बिल दिया जाएगा, तो ये हुक्मरान तो सो रहे हैं और माशाल्लाह ये के इलेक्ट्रिक वाले जीत रहे हैं ये कर करके ना सब कुछ, कुंडे वालों को रोक नहीं रहे। सारी बात ये है कि अगर इलाका हमारा अच्छा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी एक बिजली आ रही तो हम ही सबके बिल अफोर्ड करेंगे, कि हम लोगों से ही जुलूस निकाला जाएगा, खून पिया जाएगा हमारा, तो कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं है। मैं कह रही हूँ ना एप्लीकेशन में जमा करा करा के थक गई हूँ, कोई मीटर नहीं चेंज करने आ रहा हमारा, अब आखिरी हल है कि इसको तोड़ दूंगी बल्ले से, मैं क्या करूँ, उस पर भी फिर पेनल्टी लगेगी। आप भी बल्ले से तोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो तोड़ दूंगी अब, क्योंकि मेरा तो सर घुमा हुआ है बिजली को बिल को देख कर, मेरा बच्चा बेचारा छोटी सी उम्र में कमा रहा है, मेरे हस्बैंड बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं कि 2 पैसे
पैसे बच्चों के लिए बचाएं या बिजली के बिलों में दें हम जमा करवाएं, आप बताएं खुद किस तरह से करेंगे। तो कोई निज़ाम ही नहीं है ना, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे बेचारे को, जो आप लोगों को बुलाया कि शायद हमारी आवाज़ आगे तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। नाज़रीन अभी आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, और भी आगे एक सेगमेंट है उस पर भी हम और लोगों से बात करेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है कि देखें लोग कितने परेशान हैं। अभी ये खातून थी वो किस हद तक परेशान है, उन्होंने बात की, आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाए खुदा रहा, थोड़ा सा इस पर एक्शन आप लोग ज़रूर लें। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइए घर में कितने जो हैं फ़र्द हैं? देखें चार बच्चे हैं माशाल्लाह, और हम हैं मेरे हस्बैंड में। हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और एक नॉर्मल सी मजदूरी 25,000 तनख्वाह है बस, एक जो आप एक मजदूर की होती है ये कह लें। घर आपका अपना? नहीं घर अपना नहीं है, वो भी किराए का है। मतलब डबल जॉब कर रहे हैं वो? यही कह सकते हैं कि शाम में कुछ करते हैं, सुबह में ये जॉब करते हैं, शाम में थोड़ा छोटा सा दुकान लगाई हुई है घर के अंदर एक छोटे से हिस्से में, ताकि घर का गुजारा हो। बिल्कुल तकरीबन इसी तरह है, लेकिन बिजली का बिल इतना मुंह फाड़ के आ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा कि बिजली का बिल दें या घर का गुजारा करें। अभी सिलसिले में बच्चों की पढ़ाइयाँ भी ज़रूरी हैं, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में डालते हैं, उसके बावजूद भी हम उनको अच्छी प्रॉपर तरीके से ज़िंदगी गुजारने का मौका नहीं दे पा रहे। अब यही बात समझ में नहीं आती, बिजली के बिल इतने ज़्यादा दे रहे हैं, एक नॉर्मल सा दें ताकि कम से कम इतना तो हो सके कि हम अपने बच्चों का तरीके से पेट पाल सकें। अब वो बिल एक महीना नहीं दें, दूसरे महीने दें, तीसरे महीने तो इतना आता है कि जैसे पता नहीं हम ही सब मोहल्ले का बिल अदा करेंगे, और जाकर बोलें तो वो डायरेक्ट यही बात बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, यूनिट के चार्जेस बढ़ गए। अब बताएं, अब यूनिट के चार्जेस बढ़ गए, इसमें हमारा कसूर है? हम तो अपने तरीके से चल रहे हैं ना, अगर छोटी सी फैमिली है और एक कमरे में ही अगर गुजारा कर रही है तो कम से कम उन्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए, हुकूमत को थोड़ा सा देखना चाहिए कि गरीब कहाँ से पैदा करके लाएगा। कोई उनको तनख्वाह ही नहीं बढ़ा रहे हैं आप, ना उनको प्रॉपर तरीके से कोई सस्ता सामान मिल रहा है। मार्केट जाएँ तो वो महंगाई इतनी है कि आप आटा कभी 600 रुपये का 10 किलो लेते थे, आज आप 1600 का 10 किलो ले रहे हैं। तो ये भी तो इनको देखना चाहिए ना, अगर इनके पास इतना पैसा है, करोड़ों के मालिक हैं, तो ये अपना गुजारा अच्छे से कर सकते हैं ना, कोई गरीब तो नहीं कर सकता। अब बात तो यही आ रही है सारी, गैस के बिल में फिर भी इंस्टॉलमेंट हो जाती है थोड़ी, लेकिन बिजली के बिल में डायरेक्ट कह देते हैं जितना आया उतना ही पे करना है। अच्छा, तो आप ये बताएं अगर इतना बिल आएगा तो हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जो हैं वो आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट? नहीं गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, आपको पता है प्राइवेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे कौन सी क्लास में? अभी एक मेरा बेटा अभी 9th क्लास में जाएगा और एक मेरा बेटा अभी 6th क्लास में। तो किस तरह की पढ़ाई है गवर्नमेंट स्कूल की, क्योंकि आपके तो बच्चे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, असल में आप अगर अपने बच्चों को घर पर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा उनको अवेयरनेस देते हैं कि हाँ वो आप थोड़ा सा उनको गाइड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान हटा देते हैं, कुछ काम करने लगते हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर वही बात है वो बच्चे वैसे नहीं पढ़ पाते। अच्छा, तकरीबन मतलब ट्यूशन लाजमी है? ट्यूशन आप घर पर दे सकते हैं, ट्यूशन भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कहाँ से देंगे, घर पर आप खुद पढ़ा सकते हैं बस इतना है। लेकिन कम से कम बिजली के बिल गैस के बिल तो इतने कर दें कि हम आसानी से बच्चों की पढ़ाई भी अफोर्ड कर सकें, ये बिल्स भी दे सकें। इस तरह तो हम और भी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि क्या करें, बिल भी नहीं दिया गया, बच्चों की पढ़ाइयों पर भी पैसा नहीं लग रहा, एक खाना पीना ही पूरा होना मुश्किल हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज़ थोड़ा सा इनको बोलें कुछ करें ऐसा कि कम से कम जो गरीब तबका है, एक दरमियाना तबका है, आसानी से ज़िंदगी तो गुजार सके। ठीक है, इस तरह तो मसाइल ही बढ़ने वाली बात होती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन थोड़ा सा हम आगे की जाने बाते हैं और लोगों से भी हम बात करते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है, गवर्नमेंट स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं अगर घर में थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में आप बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लाइट की हवाले से एक तो प्रॉब्लम है आपको, आपका बिल कितना है? 8,000।
हाँ। किस्त वगैरह नहीं करते? नहीं, किस्त वगैरह नहीं भर देते। अच्छा, तो आप लोगों के घर में मतलब कितना इस्तेमाल है लाइट का? दो पंखे हैं, तीन बल्ब। अच्छा, तो ये 8,000 किराए का मकान है, 18 में रहता हूँ। अच्छा, ये वैसे किराया कितना यहाँ पे है किराया आपके घर का? 20,000 रुपये। 20 किराया, 8,000 बिजली का बिल, 28,000 तो ये निकाल लें, 5-6,000 रुपये उसका गैस का आ जाता है। 5-6,000 महीने का गैस का? दो घर है ना नीचे ऊपर। अच्छा, हाँ। मैं छोटी होती थी तो 250-200 बिल आता था मेरी नानी के घर का। कभी कम आता है, गैस का कभी ज्यादा आ गया कभी कम, लेकिन ये 4 महीने से मैं रह रहा हूँ 8,000, 9,000, 7,000 इससे कम नहीं आ रहा, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। हालांकि इतना वो नहीं है, दो पंखे हैं ऊपर, दो कमरों में, तीन बल्ब है, तो मुश्किल हो रही है बहुत। मुश्किल हो रही है, किराया भी भरना होता है, फिर वो भी करना, मजदूरी करता हूँ, 1,000 रुपये दिहाड़ी कौन से 1,000, वो जिस दिन दिहाड़ी ना लगे तो फिर घर पाके। 1,000 में तो घर का 3 टाइम का खाना भी नहीं होता। नहीं, बच्चा है, मैं वो भी इतने लाता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इस तरफ आती हूँ। बताएं, इस महंगाई से क्या फर्क पड़ा है आपकी जिंदगी? फर्क पड़ा है, खाने के लाले पड़ गए, और क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा महंगाई है। तो ये सोच होती है कि आज खाना किस तरह पूरा करना है 3 टाइम का? बस ये अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है, यही मकीनी का काम करता हूँ। अल्लाह जिस दिन दिहाड़ी लगा देता है अच्छी लग जाती है, किसी दिन नई भी लगती है, दो हफ्ते नहीं लगती है, और लगती है तो 1 हफ्ते में ऐसी लग जाती है कि पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला बस पूरा कर रहा है, बस ये कि आप जमा नहीं कर सकते, कुछ पीछे के लिए रख नहीं सकते, बस ये कि रोज़ खा ले, रोज़ कमा। बुरे वक्त के लिए कोई सेविंग नहीं है? सेविंग नहीं है बुरे वक्त के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि बुरे वक्त में कोई चीज़ काम आ जाए। सबसे ज़्यादा तो आटा, चीनी, पत्ती, घी, तेल, ये इतना महंगा है कि आदमी खरीदते हुए दो बार सोचता है, एक एक पाव तेल खरीद के पूरा करते, 1 किलो तेल भी नहीं खरीद सकते सारे, वो भी 400-500 रुपये का है, बहुत महंगाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, कराची की आवाज़, आप हमेशा अपने चैनल की नुमाइंदगी करते हुए कराची के मज़लूम आवाम की तर्जुमानी करती हैं, और मैं दुआ गो हूँ कि इसी तरह आप मज़ीद आवाम के लिए काम करें। और महंगाई के हवाले से यकीन माने, मैं ANI पाकिस्तान के मरकजी सदर की हैसियत से जिम्मेदारी भी सफराई अंजाम दे रहा हूँ। इतने लोग जो सफ़ेद पोश थे, जो हमारी मदद करते थे कि दरमियाने तबके के लिए, आज वो खुद ये कहते हैं कि आप हमारी मदद करें, यानी दो वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। आपने अभी, मैं सुन रहा था कि आप इंटरव्यू ले रही हैं यहाँ के फ्लैट का, मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर, 18 से 20,000 रुपये यहाँ किराए पे जो रहने वाला है, उसकी औसतन आमदनी 30 से 35,000 रुपये, वो बिजली का बिल 9 से 10,000 रुपये कम से कम है, जिनके AC नहीं है, जिनके 3 से 4 लोग हैं, अगर बड़ी फैमिली है 15-15,000, 16-16,000, और अगर किसी ने AC लगाया हुआ है, हमारे यहाँ मोहल्ले में एक साहब हैं, उन्होंने 2 AC लगाए, उनको 50,000 रुपये का बिल आया है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और एनी शाह साहिबा, यकीन माने मस्जिद बिलाल में तमाम टैक्स, पूरी दुनिया में इबादत गाँवों पे बिजली फ्री होती है, आप बिजली फ्री ना करें, सिर्फ बिजली का बिल ले लें, तमाम टैक्स मसाजिद के बिलों से भी लिए जा रहे हैं, और कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी आपसे लोगों ने बात करी कि लोग डंडे मारते हैं, ये करते हैं, मुख्तलिफ इदारों में KLT के दफातर में हमने अप्रोच करी, और हमने इनको कहा कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तोड़ फोड़ करते हैं। मैंने कहा एलिगेशन मत लगाएं, जो तोड़ फोड़ करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी को जानबूझ के आप बिजली चोर बना दें, किसी के साथ ज़्यादती कर दें, और अगर वो सुनवाई के लिए जाए, आप उसको इंस्टॉलमेंट कर दें, इंस्टॉलमेंट के बाद दूसरे महीने सरचार्ज लगा दें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता कई माह से क्या मुस्तकिल बुनियादों पर अपने शो कर रही हैं, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, और हत्ता के बारिश के दिनों में आपने अपनी जान को महफूज ना रखते हुए भी नदी नालों के ईंटों पर चढ़ चढ़ कर आपने इंटरव्यू दिए, ये मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन बदकिस्मत ही है कि अरबाब इख्तियार और जो बलदियाती निज़ाम जो राइज है, वो लोग कोई सुनने को तैयार नहीं। अब नया बलदियाती निज़ाम आया, महंगाई, यकीन माने ठेले वाले के पास जाएँ, ठेले वाले कहते हैं कि मैं तो
400 रुपये इसको देता हूँ, 100 रुपये इसको देता हूँ, 200 रुपये इसको देता हूँ। अभी वाटर पम्प में गुजरा 3 से 4 रोज पहले खवातीन बेचारी शॉपिंग कर रही थी, पूरे ट्रैफिक जाम में एक खवातीन को धक्का लगा, वो गिरी और ठेले वालों को टस से मस नहीं भी, मुतलका लोगों से शिकायत करी तो कहा कि हम करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और महंगाई का तो ये आलम है कि इस दफ़ा कुर्बानी इज्तमाही तौर पर हुई और बहुत से लोगों ने, सफ़ेद पोश लोग जो माशरे के हिस्से में हम इज्जतदार लोग हैं, बहुत से लोगों ने कुर्बानी भी नहीं हुई है। वजह ये थी महंगाई, और महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। प्राइस कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। दूध की आपने आवाज़ उठाई, 230 रुपये बेमकसद उन्होंने बढ़ा दिए। कमिश्नर कराची की रेट को चैलेंज किया जाता है, 180 रुपये लीटर दूध है कमिश्नर कराची के रेट के, लेकिन 230 रुपये दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह बिजली का बिल, लेकिन मैं आपको खिलाए आप अपना काम जारी रखें और सुनवाई इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपके तवसुत से मैं ये आवाम से मुतालबा करूँगा, खुदा रहा अपने हकूक़ के लिए एक हो जाएँ और अपने हकूक़ का आपको आइंदे वाला इलेक्शन होगा उसमें ऐसे लोगों मुंतखब करें जो खौफ खुदा भी रखते हों और आपका दर्द भी रखते हों। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। तमाम तर सूरत हाल जो आज यहाँ हम आए, जो यहाँ रिहाइश पज़ीर लोग हैं, उन्होंने अपने मसाइल आपको बताए, वो मसाइल हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर इसका हल निकलेगा। अब तक लेते हैं अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।